नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बलुआ थाना अध्यक्ष अतुल नारायण सिंह को निलंबित कर दिया। बता दें, बीते 24 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन बलुआ घाट की तरफ से जाने वाले सकरे मार्ग पर बैठे लोगों को सीओ सकलडीहा प्रदीप चंदेल के नेतृत्व में हटाया जा रहा था। वायरल वीडियो में इस कार्रवाई के दौरान बलुआ थाना अध्यक्ष द्वारा उक्त भिखारी को पहले थप्पड़ मारा जाता है, फिर उसके बाद लात से भी मारा जाता है। थाना अध्यक्ष के इस कृत्य को सोशल मीडिया पर वायरल होते देख एसपी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस प्रकरण को एसएसपी ने जांच की जिम्मेदारी भी तत्काल लोगों को दी। एसपी ने बताया कि थाना अध्यक्ष को पहले लाइन हाजिर किया गया था, वायरल वीडियो की प्रारंभिक जांच के दौरान निलंबित कर दिया गया। आप देख रहे हैं चंदौली से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। वीडियो वायरल हुआ जो बलुआ घाट का है, जिसमें प्रभारी निरीक्षक थाना बलुआ एक व्यक्ति को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ कुछ और भी पुलिस वाले मौजूद हैं। इस वीडियो में संज्ञान लेते हुए कल हमारे पास जब आया तो हमने प्रभारी निरीक्षक बलुआ को सस्पेंड करते हुए इस पूरे प्रकरण की वीडियो सहित जांच के लिए एडिशनल एसपी सदर को दिया है और ये पूरे मामले की जांच करके इस पर कार्रवाई करेंगे। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ। डी फार्मा और बी फार्मा करके इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।